बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब जैसे जैसे इसके लिए चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुढ़नी की जनता सब देख रही है कौन उन्हें बरगला रहा है और कौन उनका हितैषी है। अल्पसंख्यकों का वोट किसी की जागीर नहीं है कि भाजपा के नाम लेकर उन्हें डरा दे और वोट ले ले। माइनॉरिटी का वोट किसी की जागीर नहीं है, जागीरदारी अब टूटने वाली। गोपालगंज में टूट गई, सीमांचल में टूट गई, बोछा में भी आज जब मैं घूमा हूं तो बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग पूछ रहे हैं कि आपने अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का, आप सबका वोट कहते हैं ए टू जेड है और एम साइलेंट है। ए टू जेड एम साइलेंट। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गोपालगंज की हार से घबरा कर ही आरजेडी ने जेडीयू को कुढ़नी सीट दे दी। शाहनवाज ने कहा कि अब बिहार में नीतीश, लालू और बालाजी की पार्टी का हो गया है नया गठबंधन। आदित्य ठाकरे के आते ही राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद और जेडीयू में अंदर ही अंदर काफी तकरार है। मैं यहाँ चुनाव के लिए प्रचार में आया, कई गांव घूमा हूँ, यहाँ भी गोपालगंज इफेक्ट दिख रहा है। गोपालगंज की हार से घबरा कर ही तो राजद ने जदयू की ये सीट दे दी थी, क्योंकि बिहार में जो माई समीकरण था MY वो समीकरण टूट गया है। ये क्या हो रहा है मिक्सचर? ये नीतीश कुमार जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का नया गठबंधन क्या संदेश दे रहा है? आदित्य ठाकरे के यहाँ आते ही ये किस तरह की राजनीति शुरू हो गई? शाहनवाज ने सोनपुर मेला में कवि अनामिका अंबर को काव्य पाठ करने से भी रोकने पर सरकार को घेरा। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने काव्य सम्मेलन में भी राजनीति घुसा दी। साहित्य जगत में पूरे बिहार की छवि खराब हुई। CM को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिहार में जो जिस तरह से अनामिका अंबर का अपमान किया है, पूरे साहित्य जगत में बिहार जो दिनकर की भूमि है, ये बिहार जो रेणु की भूमि, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कवि को बुलाकर उसका अपमान कर दिया जाए। कोई कई कविता पढ़ता है, हम लोग तो जो कई कवि सम्मेलन में जाते हैं ज्यादातर कटाक्ष नेताओं पे होता है। लालू जी के राज में भी चुटकुले लालू जी पे पढ़े जाते थे, लेकिन लालू जी ने भी कभी किसी कवि को अपमानित नहीं किया था। ये मेला है, बहुत सारे कवि आए हैं, लेकिन देश की इतनी बड़ी कवि को अपमानित करना ये बिहार की जनता के स्वभाव में नहीं। ये बिहार है, ये अतिथि देवो भव की भूमि। बिहार सरकार को माफी मांगनी चाहिए, पूरे साहित्य जगत में बिहार की छवि खराब हुई। गौरतलब है कि कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कुछ पार्टी रोड शो भी कर रही है। बहरहाल, कुढ़नी का किला कौन जीतता है और सेमीफाइनल में किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, इसका रिजल्ट तो आगामी 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आ ही जाएगा।